जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 11th में जो मैथ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का, यानी द्विपद प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विपद प्रमेय के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको बता दें कि कुछ फार्मूलेज जो है सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिससे आपके पास एक्स प्लस ए की घात एन, तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स की घात एन एन सी वन। देखो ऐसे आपको पढ़ा ऐसे बताते हैं, ऐसे करोगे एन सी वन एन सी टू एन सी थ्री डॉट डॉट एन सी एन, ठीक ऐसे आता जाएगा। फिर एक्स की घात एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डॉट डॉट ऐसे जाएगा। फिर एक ही घात वन टू थ्री डॉट 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 ऐसे जाएगा। अब वही सेम फार्मूला ये है एक्स की घात मतलब एक एक्स माइनस एक ही घात एन में। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है ना प्लस माइनस चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस माइनस चलता है। लास्ट में हो सकता है कि प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, वो तो इसके ऊपर डिपेंड है, यानी कि ऊपर डिपेंड है कि कितनी बार प्लस आ रहा है कितनी बार माइनस आ रहा है, वो इसके ऊपर डिपेंड है। एन सी एन का मान एक होता है, जीरो फैक्टोरियल का मान एक होता है। एन सी आर का जो एन सी आर है ये होता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक ये होता है एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। और किसी भी संख्या की घात अगर एक हो जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, एक। इस फार्मूले का हम लोग इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक्स प्लस दो की घात चार, तो एक्स प्लस दो की घात चार। सबसे पहले तो हम लोग किस फार्मूले से तुलना करेंगे, इस फार्मूले से तुलना करेंगे। तो एक्स बराबर हमारे पास एक्स है, और ए बराबर हमारे पास क्या है, दो है, और n बराबर हमारे पास क्या है, चार है। सबसे पहले देखो इसको कैसे तोड़ोगे जानते हो, इसकी घात तो चार लिखो गई क्योंकि x की घात n है, तो x की घात चार तो लिखो गई, ये तो लिखो गई। प्लस आपके पास लिखोगे एन सी वन लिखोगे, प्लस एन सी टू लिखोगे, प्लस एन सी थ्री लिखोगे, प्लस एन सी फोर लिखोगे, ठीक चार तक लिखोगे। अब देखो x की घात n माइनस वन है, एक एक घटाते जाओगे चार से, तो x की जगह x है, तो x की घात चार से एक घटाओ तीन, चार से दो घटाओ दो, चार से फिर घटाओगे आप लोग तीन तो एक, चार से चार घटाओगे तो ज़ीरो। समझ में आया ना। अब यहाँ पे एक ही घात बढ़ता जाएगा, तो एक ही जगह दो है, तो दो की घात एक, दो की घात दो, दो की घात तीन, दो की घात चार, बस ऐसे बढ़ते जाओगे। देखो इसको तो यही लिखेंगे हम लोग, प्लस इसको फैक्टोरियल में तोड़ो, तो देखो एन सी आर एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, मतलब इसको लिखेंगे चार फैक्टोरियल और चार से एक घटाओगे, देखो चार से घटाओगे तो तीन फैक्टोरियल, इसको लिखने की जरूरत नहीं होगी एक है, और ये हो जाएगा दो एक्स क्यूब प्लस चार फैक्टोरियल आर की जगह दो है तो दो फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा चार से दो घटाओगे दो फैक्टोरियल, दो दूनी चार एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर चार फैक्टोरियल और चार से तीन लिखने की तीन फैक्टोरियल और चार से तीन घटाओगे एक फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा आठ एक्स प्लस ये तो हो जाएगा दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह, क्योंकि एन सी एन का मान भी एक होता है और किसी का घात जीरो हो तो उसका मान भी एक होता है, ठीक। तो यहाँ पर एक्स की घात चार को एक्स की घात चार लिखोगे प्लस फैक्टोरियल को थोड़ा चार इंटू तीन फैक्टोरियल बटे तीन फैक्टोरियल और दो एक्स क्यूब प्लस चार इंटू दो तीन इंटू दो फैक्टोरियल बटे दो इंटू एक इंटू दो फैक्टोरियल और चार एक्स स्क्वायर और प्लस चार इंटू तीन फैक्टोरियल बटे तीन फैक्टोरियल इंटू आठ एक्स प्लस सोलह, तीन से तीन कैंसिल, दो से दो कैंसिल और दो दूनी चार, तीन से तीन कैंसिल, तो यहाँ बचा आपके पास एक्स की घात चार बचाइए, चार दूनी आठ, ठीक चार दूनी आठ हो गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा, आठ एक्स क्यूब और प्लस दो तीन छः छः चौको चौबीस, चौबीस एक्स स्क्वायर प्लस आठ चौको बत्तीस एक्स प्लस सोलह, बस आंसर हो गया। ऐसे हल करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, ऐसे द्विपद प्रमेय को हल करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरे में है आपके पास एक्स माइनस दो बटे एक्स, एक्स माइनस दो बटे एक्स की घात पाँच। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास यक्स की जगह यक्स की जगह यक्स है और ए की जगह दो बटे यक्स है और एन की जगह पाँच है। सबसे पहली बात तो इस फार्मूले के अनुसार देखो, इसमें प्लस माइनस का क्रम चलेगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग लिखोगे यक्स की घात पाँच लिखोगे, फिर माइनस लगाओगे, ठीक माइनस। अब ध्यान देना, एन सी वन लिखोगे फिर प्लस लिखोगे,
एन सी टू लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, एन सी थ्री लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, एन सी फोर लिखोगे, फिर माइनस लिखोगे, एन सी फाइव पाँच बार लिखोगे, ठीक पाँच बार लिखोगे। अब यहाँ पर आता है एक्स या एन माइनस वन, तो एक्स अब एन की जगह आप लोग क्या लिखोगे, पाँच पाँच, ठीक पाँच, जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ क्या लिखोगे, पाँच, बस ये देखना है। अब देखो एक्स, एक्स का मतलब एक्स है, एक्स की घात पाँच से आप लोग क्या करोगे, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हो, एक्स की घात जीरो, एक्स की घात एक, एक्स की घात दो, एक्स की घात तीन, एक्स की घात चार, अब इधर से बढ़ते जाओ, दो की दो बटे एक्स, दो बटे एक्स की घात एक, दो बटे एक्स की घात दो, दो बटे एक्स की घात तीन, दो बटे एक्स की घात चार, और दो बटे एक्स की घात पाँच, ठीक। अब ऐसे करोगे, अब देखो यहाँ पर एक्स की घात पाँच, इसको फैक्टोरियल में तोड़ो, माइनस पाँच फैक्टोरियल, पाँच से एक घटाओगे तो चार फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एक्स की घात चार इंटू, ये हो जाएगा दो बटे एक्स, यहाँ पर इसको तोड़ो, पाँच फैक्टोरियल, ये लिखो दो फैक्टोरियल, पाँच से दो घटाओगे तीन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा दो दूनी चार, चार बटे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब, माइनस पाँच फैक्टोरियल, पाँच फिर तीन फैक्टोरियल, पाँच से तीन गया दो फैक्टोरियल, ये हो जाएगा दो दूनी चार दूनी आठ, ये हो जाएगा आठ बटे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, प्लस इसको तोड़ो, ये हो जाएगा पाँच फैक्टोरियल बटे चार फैक्टोरियल, पाँच से चार गए एक फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू हो जाएगा दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह, सोलह बटे एक्स की घात चार इंटू एक्स, और ये हो जाएगा माइनस दो यानी सोलह दूनी बत्तीस, बत्तीस बटे एक्स की घात पाँच, यहाँ पर देखो कैंसिलेशन करना यहाँ पर, तो एक्स की घात पाँच को एक्स की घात पाँच माइनस, ये हो जाएगा पाँच इंटू चार फैक्टोरियल बटे चार फैक्टोरियल, इससे काटोगे तो हो जाएगा एक्स की घात तीन इंटू दो, ये प्लस यहाँ पर हो जाएगा पाँच इंटू चार इंटू तीन फैक्टोरियल बटे दो इंटू एक इंटू तीन फैक्टोरियल, इससे काटोगे तो केवल एक्स बचेगा, तो हो जाएगा चार एक्स, फिर माइनस पाँच इंटू चार इंटू तीन फैक्टोरियल बटे दो इंटू एक इंटू तीन फैक्टोरियल, इससे इसको काटोगे तो बचेगा आठ बटे एक्स, प्लस यहाँ पर इससे काटोगे, ठीक, तो इसको तोड़ो, पाँच इंटू चार फैक्टोरियल बटे चार फैक्टोरियल इंटू सोलह बटे एक्स क्यूब माइनस बत्तीस बटे एक्स की घात पाँच, अब यहाँ पर इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब देखो नीचे यहाँ पर दो से दो दूनी चार, दो से दो दूनी चार, बस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास यक्स की घात पाँच माइनस, अब ये हो जाएगा पाँच दूनी दस, ठीक, क्या हो जाएगा पाँच दूनी दस, तो ये हो जाएगा दस यक्स क्यूब, यक्स क्यूब, और प्लस पाँच दूनी दस, और दस चौको क्या हो जाएगा चालीस, तो ये हो जाएगा चालीस एक्स माइनस पाँच दूनी दस अटे अस्सी, अस्सी बटे एक्स, फिर प्लस सोलह पंचे अस्सी, अस्सी बटे एक्स क्यूब माइनस बत्तीस बटे एक्स की घात पाँच, बस ये आंसर हो गया इसका, ठीक है, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में है यक्स नहीं यक्स प्लस दो बटे यक्स की घात छः, यक्स प्लस दो बटे यक्स की घात छः, यक्स प्लस दो बटे यक्स की घात छः, हाँ यही है। देखो इसको भी सेम टू सेम किसकी तरह करोगे, इसकी तरह करोगे, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे, यक्स की घात छः लिखोगे, प्लस अब ध्यान देना छः सी वन प्लस छः सी टू प्लस छः सी थ्री प्लस छः सी फोर,
प्लस छः सी फाइव प्लस छः सी सिक्स। यहाँ पर अब ध्यान देना, एक्स एक्स लिखते जाओ, एक्स एक्स सब में लिखते जाओ, एक्स एक्स सब में लिखते जाओ, और एक्स की घात यहाँ पर जीरो, यहाँ पर एक दो तीन चार, फिर से एक बार जीरो, हाँ पाँच सही है। फिर दो बटे एक्स लिखो, दो बटे एक्स की घात एक, दो बटे एक्स की घात दो, दो बटे एक्स की घात तीन, दो बटे एक्स की घात चार, फिर दो बटे एक्स की घात पाँच, फिर दो बटे एक्स की घात छः। ठीक, तो इसको तो आप कैलकुलेशन कर लोगे। अब एक्स की घात छः को एक्स की घात छः लिखना आप लोग, छः सी वन, तो ये हो जाएगा छः फैक्टोरियल, छः से एक घटाओगे तो पाँच फैक्टोरियल, और एक्स की घात ये हो जाएगा पाँच इंटू दो बटे एक्स, और प्लस ये हो जाएगा छः फैक्टोरियल, छः से दो घटाओगे तो चार फैक्टोरियल इंटू एक्स की घात चार इंटू दो दुनी चार एक्स स्क्वायर, प्लस छः फैक्टोरियल, छः से तीन तीन फैक्टोरियल, ठीक, और ये हो जाएगा एक्स की घात तीन, और दो की घात तीन का मतलब हो गया आठ। ठीक, तो आठ बटे एक्स क्यूब, एक्स क्यूब प्लस छः फैक्टोरियल बटे चार फैक्टोरियल, और छः से दो घटाओ दो फैक्टोरियल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू दो की घात चार का मतलब हो गया दो दुनी चार दुनी आठ दुनी सोलह बटे एक्स की घात चार, प्लस ये हो जाएगा छः फैक्टोरियल बटे पाँच फैक्टोरियल ये, और ये हो जाएगा एक्स की घात एक, और दो दुनी चार दुनी सोलह मतलब दो की घात पाँच का मतलब हो गया बत्तीस, तो बत्तीस बटे एक्स की घात पाँच इंटू एक्स, प्लस ये हो जाएगा आपके पास बत्तीस दुनी चौंसठ बटे एक्स की घात छः। बस आगे सोल्यूशन आप लोग कर लेना, बस काटपीट तो करना है, फैक्टोरियल को तोड़ के काटपीट करना है, फटाफट इतने का स्क्रीन शॉट करो जरा आप लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीन में ये मत कहना कि सर जी हमें फैक्टोरियल तोड़ना नहीं आता है। देखो फैक्टोरियल तोड़ना पूरा सेवन पॉइंट पढ़ा दिया, फैक्टोरियल 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 एनपीआर एनसीआर सब पढ़ा दिया, अब फैक्टोरियल तोड़ना नहीं आता ये कोई बात नहीं। उस वीडियो को जरूर देखिए फैक्टोरियल तोड़ना कैसे आता है। देखो क्वेश्चन नंबर चार, क्वेश्चन नंबर चार में है चार का ए, चार के ए पार्ट में है कि तीन तीन प्लस अंडर रूट पाँच की घात पाँच माइनस तीन माइनस अंडर रूट पाँच की घात पाँच। ठीक, देखो इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो एक बार इसके फॉर्म में तोड़ेंगे, एक बार इसके फॉर्म में तोड़ेंगे, तो तोड़ने से पहले इसको जोड़ेंगे नहीं फोड़ेंगे, पहले फोड़ते हैं, समझना। यहाँ पर ये एक्स है और ये ए है और ये एन है, ये एक्स है ये ए है और ये एन है। ठीक, यहाँ पर तीन की घात सबसे पहले पाँच लिखोगे, फिर प्लस लिखोगे, समझना प्लस लिखोगे, फिर यहाँ पर आप लोग लिखते हो पाँच सी वन प्लस पाँच सी टू प्लस पाँच सी थ्री प्लस पाँच सी फोर प्लस पाँच सी पाँच। ठीक, इसके बारे में बता रहे हैं, फिर सब में तीन तीन लिखोगे, सब में तीन तीन लिखोगे, सब में तीन तीन लिखोगे ना, फिर अब ध्यान देना पाँच से एक कम करते करते जाओ, चार तीन दो एक जीरो, अब सब में अंडर रूट पाँच लिखो की घात एक, अंडर रूट पाँच की घात दो, अंडर रूट पाँच की घात तीन, अंडर रूट पाँच की घात चार, अंडर रूट पाँच की घात पाँच। अब ये माइनस, तो माइनस लगा दो, माइनस लगाने पर हम लोग जानते हैं कि चिन्ह को बदल देते हैं, और हम लोग जानते हैं ये प्लस माइनस चलता है, तो आपकी बार ये माइनस प्लस में चलेगा। ठीक है, तो ये जगह माइनस तीन की घात पाँच इसको लिखेंगे, अब इसको लिखते जाओ, ये प्लस में हो जाएगा पाँच सी वन तीन की घात चार अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट पाँच की घात एक, फिर माइनस पाँच सी दो तीन की घात तीन अंडर रूट पाँच की घात दो, फिर प्लस पाँच सी तीन तीन की घात दो अंडर रूट पाँच की घात तीन, फिर माइनस पाँच सी चार तीन की घात एक अंडर रूट पाँच की घात चार, फिर प्लस पाँच सी पाँच तीन की घात जीरो अंडर रूट पाँच की घात पाँच। यही तो है हमारे पास,
अब ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल आउट, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ये माइनस पाँच सी टू और ये प्लस, ये कैंसिल, पाँच सी फोर और पाँच सी फोर, ये कैंसिल। अब ध्यान रखना, पाँच सी वन और पाँच सी वन, ये दो बार, तो इसको दो लिखो, दो इंटू पाँच फैक्टोरियल बटे एक फैक्टोरियल को मत लिखो, पाँच से एक घट गया तो चार फैक्टोरियल, और तीन की घात चार का मतलब होगा तीन तरह का नौ, सत्ताईस, इक्यासी, तो ये हो गया इक्यासी अंडर रूट पाँच माइनस, इसको लिखो दो बार, ये दो बार है, तो ये हो गया दो माइनस नहीं प्लस, दो पाँच फैक्टोरियल बटे तीन फैक्टोरियल, पाँच से तीन गया तो दो फैक्टोरियल, तीन तरह का नौ, तीन तरह का नौ इंटू, इसको लिखो, देखो अंडर रूट पाँच का क्यूब है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अंडर रूट, देखो इसको ऐसे कर सकते हो आप लोग, अंडर रूट पाँच का क्यूब, तो इसको कर सकते हो अंडर रूट पाँच का स्क्वायर इंटू अंडर रूट पाँच, तो ये हो गया पाँच, तो इसको कर सकते हो पाँच अंडर रूट पाँच, ठीक, तो ये हो जाएगा पाँच अंडर रूट पाँच, पाँच अंडर रूट पाँच, और ये हो जाए, ये तो एक, ये एक, ये एक, ये एक, तो ये दो अंडर रूट पाँच की घात पाँच प्लस दो अंडर रूट पाँच की घात पाँच, तो पाँच की घात पाँच को लिख सकते हो दो अंडर रूट पाँच की घात दो इंटू अंडर रूट पाँच, देखो गुणा में घात जुड़ती है ना। अब ये हो जाएगा आपके पास दो, ये हो जाएगा पाँच इंटू चार फैक्टोरियल बटे चार फैक्टोरियल इंटू इक्यासी अंडर रूट पाँच, प्लस ये हो जाएगा दो इंटू पाँच इंटू चार इंटू तीन फैक्टोरियल बटे दो इंटू एक इंटू तीन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा नौपना पैंतालीस, पैंतालीस अंडर रूट पाँच, ठीक, और प्लस ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, पचम पच्चीस दूनी पचास, पचास अंडर रूट पाँच, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, दो दूनी चार बस, तो ये हो जाएगा दो पाँच दूनी दस, पाँच दूनी दस इक्यासी, तीन तरह सत्ताईस इक्यासी, ठीक है, इंटू इक्यासी अंडर रूट पाँच प्लस पाँच दूनी दस दूनी बीस और पैंतालीस दूनी नब्बे, पैंतालीस दूनी नब्बे और दस नौ सौ, नौ सौ अंडर रूट पाँच प्लस पचास अंडर रूट पाँच, तो इसको एक काम करो, इसको आठ सौ दस लिख दो, आठ सौ दस, ठीक। ये आपके पास कितना आ गया कि सत्रह सौ, ये हो गया सत्रह सौ दस और पचास, कितना हो गया आपके पास सत्रह सौ साठ, तो ये हो जाएगा सत्रह सौ साठ अंडर रूट पाँच, बस आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चौथे का बी पार्ट देखो, चौथे का बी पार्ट में क्या है, एक प्लस, एक प्लस अंडर रूट छः एक्स की घात चार प्लस एक माइनस अंडर रूट छः एक्स की घात चार, सेम कंडीशन, सेम वैसे ही करोगे जैसे ये किया है, सेम करोगे। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, वन की घात चार लिखने की जरूरत नहीं है, तो वन को वन लिखो, ठीक, प्लस चार सी वन प्लस चार सी दो प्लस चार सी तीन और प्लस चार सी चार लिखना, ठीक। फिर यहाँ पर वन को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखो अंडर रूट छः एक्स की घात तीन, एक कम करोगे ना, अंडर रूट छः एक्स की घात दो, अंडर रूट छः एक्स की घात तीन, चार से एक कम करेंगे तो ये हो जाएगा एक दो तीन चार, ठीक है, तो तीन दो यहाँ पर एक, फिर अंडर रूट छः एक्स की घात जीरो। दोस्तों फिर से एक बार, यहाँ पर आपका एक, यहाँ पर दो, यहाँ पर तीन और यहाँ पर चार होगा, ऐसे होगा क्योंकि इसका एक दो तीन चार बढ़ता ना, इसका क्या बढ़ता है, एक दो तीन चार बढ़ता है, देखो इधर वाले का देखो इसका, और इधर वाले का कम होते होते जाता है, किसका, एक्स का कम होते होते जाता है और ए का बढ़ते बढ़ते जाता है, ठीक। अब प्लस एक लिखोगे, इसी को प्लस माइनस करते जाओगे,
माइनस चार सी वन अंडर रूट छः एक्स की घात एक प्लस चार सी दो अंडर रूट छः एक्स की घात दो माइनस चार सी तीन अंडर रूट छः एक्स की घात तीन प्लस चार सी चार अंडर रूट छः एक्स की घात चार। अब ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस कैंसिल, ये माइनस और ये प्लस कैंसिल। अब आप लोग यहाँ पर एक और एक जोड़ दो तो दो, ठीक, यहाँ पर जोड़ जुड़ कर हो जाएगा प्लस का दो इंटू चार सी टू, फैक्टर तोड़ो, चार फैक्टोरियल बटे दो फैक्टोरियल, चार से घटाओगे तो दो फैक्टोरियल और इससे ये कैंसिल तो छः छः एक्स स्क्वायर। अब इसमें इसका मान तो एक हो गया है तो ये हो जाएगा प्लस दो इंटू इसका मान छतरंग छत्तीस एक्स की घात चार, तो ये आ जाएगा आपके पास दो। अब फैक्टोरियल चार को तोड़ोगे तो चार इंटू तीन इंटू दो, दो से दो कैंसिल और दो से दो दुनी चार, तो ये हो जाएगा दो प्लस दो दुनी चार तिया बारह, बारह छिंग बहत्तर, बहत्तर एक्स स्क्वायर और प्लस छत्तीस दुनी बहत्तर, बहत्तर एक्स की घात चार। आप लोग चाहो तो इसमें दो कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा हाँ दो कॉमन हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक। तो जब दो कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा छत्तीस एक्स की घात चार प्लस छत्तीस एक्स की घात दो प्लस एक, बस आंसर इसको कर लोगे, इसको आंसर कर लोगे क्वेश्चन नंबर चार का बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर पाँच में कह रहा है कि द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके। तो क्वेश्चन नंबर पाँच, पाँच में है छः की घात चार, यही तो है, छः की घात चार। हमेशा इसको ना एक के रूप में तोड़ोगे, एक के रूप में क्यों तोड़ोगे आपको बताते हैं। जैसे इसको ऐसे लिखोगे, इसको आप लोग लिख सकते हो कि एक प्लस पाँच की घात चार, तो एक और पाँच छः, छः की घात चार। अब इसको तोड़ोगे एक की घात चार तो एक की घात चार ही होता है प्लस, यहाँ पर लिखोगे आप लोग चार सी वन प्लस चार सी दो प्लस चार सी तीन प्लस चार सी चार। यहाँ पर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसको लिखोगे और इसकी घात को बढ़ाते बढ़ाते जाओगे, तो पाँच की घात एक, पाँच की घात दो, पाँच की घात तीन और पाँच की घात चार, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक प्लस चार फैक्टोरियल बटे चार से एक गया तीन फैक्टोरियल और इंटू पाँच प्लस चार फैक्टोरियल, चार को तोड़ दो, चार इंटू तीन इंटू दो फैक्टोरियल, क्योंकि चार फैक्टोरियल ना ये, और ये हो गया दो फैक्ट दो इंटू एक इंटू दो फैक्टोरियल और प्लस यहाँ पे लिखो चार इंटू तीन फैक्टोरियल बटे तीन फैक्टोरियल, क्योंकि चार से तीन गया तो एक को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर पचम पच्चीस और यहाँ पर पच्चीस पंचे एक सौ पच्चीस और प्लस इसका मान तो एक, एक सौ पच्चीस पंचे तो पच्चीस पच छः सौ पच्चीस, ठीक। यहाँ पर तीन से तीन कैंसिल, दो से दो कैंसिल, दो दुनी चार, इसको तोड़ दो, चार इंटू तीन फैक्टोरियल, इससे ये कैंसिल, तो ये हो गया एक प्लस पाँचों को बीस प्लस ये हो गया पच्चीस दुनी पचास और पचास तिया डेढ़ सौ प्लस ये हो जाएगा एक सौ पच्चीस ढाई सौ पाँच सौ हो गया ये प्लस छः सौ पच्चीस, इनको जोड़ दो तो छः सौ पच्चीस और ये हो गया छः सौ पचास, तो बारह सौ पचहत्तर और पचानवे इक्यानवे आपके पास लगभग क्या जाएगा बारह सौ छियानवे, कितना जाएगा बारह सौ छियानवे, ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर छः को देखो, क्वेश्चन नंबर छः, छः में है नौ की घात, नौ की घात पाँच, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे आप लोग दस, नहीं हाँ दस, दस माइनस एक की घात पाँच इसको, और दस से एक घट गया तो आप लोग ऐसा, लेकिन एक काम करो दस माइनस एक ना करो, एक प्लस आठ की घात पाँच करो, इससे जल्दी हल होगा, एक प्लस ही क्या करो, तो यह आ जाएगा आपके पास एक को तो एक लिखोगे। अब पाँच सी वन प्लस पाँच सी दो प्लस पाँच सी तीन प्लस पाँच सी चार प्लस पाँच सी पाँच, तो यहाँ पर इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको लिखोगे आठ की घात, ध्यान रखना कि इसको बढ़ाते चलोगे, ठीक है, इसको क्या बढ़ाते चलोगे, एक आठ की घात दो आठ की घात तीन आठ की घात चार और आठ की घात पाँच,
बाद बाकी इसको आप लोग सॉल्यूशन कर लोगे। जब इसको आप लोग हल कर लोगे ना तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5949। 5949 बस हल कर लेना आप लोग। अब तो सीख गए हो ना फैक्टोरियल तोड़ना कि कैसे फैक्टोरियल को तोड़ोगे। क्वेश्चन नंबर सात में देखो, क्वेश्चन नंबर सात में है 11 की घात 5। तो इसको आप लोग ऐसे तोड़ना, 11 की घात 5 को तोड़ना 1+10 की घात 5 कर लोगे ना आप लोग, ये तो कर लोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 12 में 99 की घात 5 इसको 100-1 से भी कर सकते हो, लेकिन आप लोग 1+98 की घात 5 करना, बाकी आप लोग कर लोगे। आई होप इतना तो आप लोग कर ही लोगे, सेम टू सेम ऐसे ही कर लोगे। तो इतने का फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8 छूटा है, अगर फिर भी आप लोग नहीं कर पाते तो 8.2 से पहले ही कमेंट कर देना, जिससे कि हम इसको प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो 8.2 से पहले कमेंट कर देना आप लोग, या 8.3 से पहले कमेंट कर देना। दो, क्वेश्चन नंबर 9, द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके निम्नलिखित को सिद्ध करना है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट में है 3 की घात 3n -26n -1। देखो इसको ये दिखाना है कि ये 676 से विभाज्य है, 676 से विभाज्य है। सबसे पहले इसको ऐसे करो, इसको लिख सकते हो 3 की घात n -26n -1। इसको कर सकते हो 927 की घात n -26n -1। अब देखो इसको हम लोग तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, इसको एक के रूप में ही तोड़ेंगे। तो 1+26 करेंगे हम लोग कि घात n -26n -1। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग, किस रूप में तोड़ेंगे हम लोग, x प्लस a के रूप में तोड़ेंगे। तो होता है x की घात n प्लस NC1 प्लस, यानी इसमें x की घात n-1, a की घात 1 प्लस NC2, x की घात n-2 और a की घात 2 प्लस .. ठीक, इसे तोड़ेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा आपके पास, 1 को तो 1 लिखो, 1 की घात कुछ भी 1 ही रहता है, प्लस NC1 x की a की घात कुछ भी 1 ही रहता है, 26 को लिखो, 26 की घात 1 प्लस NC2 26 की घात 2 प्लस NC3 26 की घात 3 प्लस .. प्लस NCN लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो आप लोग 26 की घात n। ठीक, अब ये -26n और -1, ये -1 ये +1 ये कैंसिल। अब NC1 को फैक्टर को तोड़ो, तो ये होता है n फैक्टोरियल बटे 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो n -1 फैक्टोरियल इंटू ये हो जाएगा 26 प्लस NC2 26 का स्क्वायर प्लस NC3 26 की घात 3 प्लस .. प्लस 26 की घात n -26n। इसको देखो फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल को तोड़ना आपको पता ही है, आपको हमने पढ़ाया है कि n फैक्टोरियल को तो कैसे तोड़ते हैं। n फैक्टोरियल के तोड़ने का नियम है कि n फैक्टोरियल बराबर n n-1 n-2 .. ऐसे तोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग तोड़ोगे कब तक n और n माइनस 1 बस, और ये हो जाएगा n माइनस 1 26 प्लस NC2 26 का स्क्वायर प्लस NC3 26 की घात 3 प्लस .. प्लस 26 की घात n -26n। इससे ये कैंसिल, दो 26n तो बचा, तो 26n से 26n क्या काट दिया, 26n से 26n कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, NC2 26 का स्क्वायर प्लस NC3 26 की घात 3 प्लस .. प्लस 26 की घात n। यहाँ पे 26 की घात 2 कॉमन हो गया, 26 की घात 2 का मतलब ही होता है 676, 26 का वर्ग, हाँ, तो 676 कॉमन हो गया। तो यहाँ केवल बचा NC2 प्लस ये बचा आपके पास NC3 26 प्लस .. प्लस 26 की घात 2 कॉमन है, तो इसमें 26 की घात 2 भाग लगाओगे तो 26 की घात n -2 हो जाएगा। तो देखो ये 676 से भाज है कि नहीं है, 676 ही तो कॉमन लिया गया है, तो सब में 676 का भाज है, तो हम लोग कहेंगे ये 676 से विभाज्य है। इसी के बाद 9 का b, सेम टू सेम है 9 का b भी।
दो की घात तीन एन माइनस सात एन माइनस वन, दो की घात तीन एन माइनस सात एन माइनस वन किससे विभाज्य है? 49 से, 49 से विभाज्य, और n बिलोंग्स n, इसमें भी है आपके पास n बिलोंग्स n। ठीक, देखो इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो, दो की घात तीन की घात n माइनस सात एन माइनस वन, इसको कर सकते हो आठ की घात n माइनस सात एन माइनस वन, इसको कर सकते हो एक प्लस सात की घात n, ठीक, माइनस सात एन माइनस वन, सेम टू सेम ही तो है, एक प्लस ही करना है आपको, एक प्लस ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, क्या करोगे आप लोग? एक प्लस ही करोगे। देखो यहाँ पर एक बार देख लेते, दो की घात तीन तो है, ठीक, यहाँ पर तोड़ो, एक की घात कुछ भी हो एक होता है, ये होगा एन सी वन, अब सात की घात वन, एन सी टू सात की घात टू, एन सी थ्री सात की घात तीन, प्लस डॉट डॉट सात की घात एन, ठीक, और माइनस सात एन माइनस वन, माइनस वन से माइनस वन कैंसिल, आपको पता है कि इसको हल करेंगे तो ये सात एन ही आएगा, तो यह जाएगा एन सी टू, अभी तो दिखाया था आपको कैसे सात एन आएगा, छब्बीस एन आएगा, वही सात एन ही आएगा वो, तो एन सी सात की घात दो प्लस एन सी थ्री सात की घात तीन प्लस डॉट डॉट प्लस सात की घात एन, यहाँ पे सात की घात दो का मतलब हो गया उनचास, तो उनचास हो गया कॉमन, तो एन सी दो प्लस एन सी तीन ये हो जाएगा सात प्लस डॉट डॉट प्लस, अब सात की घात दो कॉमन हुआ, उनचास सात की दो कॉमन हुआ तो ऊपर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो सात की घात एन माइनस दो, अब देखो ये उनचास, अब उनचास तो कॉमन लिया गया है तो उनचास से विभाज्य होगा, ये उनचास से विभाज्य है। अब देखो नौमे का सी, नौमे का सी में क्या है? दो की घात चार एन, दो की घात चार एन प्लस चार माइनस पंद्रह एन, माइनस पंद्रह एन माइनस सोलह, दो सौ पच्चीस से विभाज्य है। किस विभाज्य? 225 से विभाज्य है, और n बिलोंग्स इसमें n से ही है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर सकते हो आप लोग, सबसे पहली बात तो इसमें दो चार ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा n प्लस वन माइनस पंद्रह एन माइनस सोलह, ठीक, दो की घात चार का मतलब होता है 16, तो 16 की घात n प्लस वन माइनस पंद्रह एन माइनस सोलह, इसको आप लोग कर सकते हो एक प्लस पंद्रह, क्या कर सकते हो? एक प्लस पंद्रह, तो ये हो जाएगा एक प्लस पंद्रह की घात एन प्लस वन माइनस पंद्रह एन माइनस सोलह, इसको तोड़ो, एक की घात को एक ही लिखो प्लस, अब लिखो एन प्लस वन सी वन पंद्रह की घात वन प्लस एन प्लस टू सी टू पंद्रह की घात टू प्लस एन प्लस वन सी थ्री पंद्रह की घात थ्री प्लस डॉट डॉट प्लस एन पन क्या है पंद्रह है पंद्रह की घात एन प्लस वन माइनस पंद्रह एन माइनस सोलह, ठीक, अब यहाँ पर सोलह है माइनस, माइनस सोलह को आप लोग लिख सकते हैं माइनस पंद्रह माइनस एक, तो जोड़ के माइनस सोलह, माइनस एक प्लस एक ये कैंसिल। अब देखो इसको हम तोड़ के दिखाते हैं आपको, इससे ये कैंसिल होगा कैसे होगा हम दिखाते हैं आपको, इसको एन फैक्टोरियल का मान क्या होता है? एन फैक्टोरियल का मान होता है जैसे एन सी आर, एन सी आर तो एन फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर, आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास, एक को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो एन प्लस वन फैक्टोरियल बटे एन प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा पंद्रह प्लस ये हो जाएगा एन प्लस वन सी टू पंद्रह, ठीक, का स्क्वायर प्लस एन प्लस वन सी थ्री पंद्रह का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस पंद्रह की घात एन प्लस वन माइनस पंद्रह एन माइनस पंद्रह। यहाँ पर देखो इससे ये कैंसिल, अब एन प्लस वन को तोड़ो, देखो एन फैक्टोरियल का मान होता है एन एन माइनस वन, इसमें टू लग गया, टू लग गया दोस्तों, एन एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एन प्लस वन को लिखोगे आप लोग एन प्लस वन फिर एन प्लस वन माइनस वन फैक्टोरियल बटे एन फैक्टोरियल, ठीक, और इनटू ये पंद्रह, पंद्रह को यहाँ लिखो प्लस, ये हो जाएगा
एन प्लस वन सी टू पंद्रह का स्क्वायर प्लस एन प्लस वन सी थ्री पंद्रह का क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एन पंद्रह के बाद एन प्लस वन। अब इसमें आप लोग ले लो पंद्रह कॉमन माइनस पंद्रह कॉमन तो एन प्लस वन बचेगा। ठीक, इससे ये कैंसिल, तो ये एन फैक्टर बचा, इससे ये कैंसिल, पंद्रह एन प्लस वन और पंद्रह एन प्लस वन, देखो ये प्लस में ये माइनस में। ठीक, तो ये पूरा का पूरा इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पर पंद्रह का वर्ग पंद्रह क्यूब, तो पंद्रह का वर्ग मतलब होता है 225, तो 225 ले लोगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा एन प्लस वन, एन प्लस वन सी दो प्लस ये हो जाएगा एन प्लस वन सी तीन पंद्रह प्लस डॉट 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 ये हो जाएगा प्लस पंद्रह की घात, दो दो कॉमन हुआ। तो जब दो कॉमन लेंगे तो बार बार हम बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आपको ध्यान रखना कि जैसे दो कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पर जैसे पंद्रह की घात है आपके पास एन प्लस वन, तो पंद्रह की घात एन प्लस वन, तो पंद्रह की घात दो कॉमन हुआ मतलब भाग हुआ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पंद्रह की घात एन प्लस वन माइनस दो, तो घटकर पंद्रह की घात एन माइनस वन बचेगा। तो ये हो जाएगा पंद्रह की घात एन माइनस वन। अब इसमें सब में से क्या कॉमन हुआ, 225 ही तो कॉमन हुआ, तो ये किससे भाज्य है, तो हम लोग कहेंगे यह 225 से विभाज्य है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 8.1 को कम्प्लीटली खत्म कर लिया। जो एक आध क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ दिया है, वो अगर नहीं कर पाते हो कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग नहीं कर पाते हो और ज्वाइन हो हम उसमें प्रोवाइड कर देंगे ज्वाइन में। ठीक है, ज्वाइन तो हो ही, डायरेक्ट हमसे जुड़े हो तो उसमें तो आप लोग प्रोवाइड हो ही रहा है, आपको पता ही है, तो उसमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हर एक तरह से इस प्रकार से हमें मिलते रहिए और प्यार जरूर बरसाते रहिए। प्यार बरसाने के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक, तो टेक ए स्क्रीनशॉट।